एवरीवन, यस्टरडे यू वर आस्किंग कि असाइनमेंट के मार्क्स कहाँ लगेंगे. असाइनमेंट जो आपको मिली है, ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, इंटरनल असेसमेंट है. ठीक है, जो भी असाइनमेंट्स आपको आ रही हैं, जो गूगल फॉर्म पे आपको 3 असाइनमेंट्स आई हैं, दे आर द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, तो आपके उसके इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स लगने हैं. सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो, 3 थिंग्स आर देयर. ठीक है, all of you had submitted your assignments. In you link close ho jana, aaj pata hai na, aaj 21st hai, last day hai. Today link will be closed, so better submit your assignments today for the jo aapki first or third aayi hui hai. Second ke liye aapko monday tak time hai na, to baki two assignments hai, they will be closed today. हाँ, वो पर उसका मंडे तक है. हाँ जी, ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर, ऑल ऑफ यू हैड सबमिटेड योर असाइनमेंट्स. दलजीत, ऋतिक, प्रांशी. यस मैम. यस मैम, द मार्क्स ऑफ असाइनमेंट्स ये गूगल फॉर्म वाली है जो तीनों में की है, आप बता रहे थे. क्या कह रहे थे मैम? जो आपने कल बताई थी कि ये तीन असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, वो यही असाइनमेंट्स है ना गूगल फॉर्म वाली? गूगल फॉर्म की असाइनमेंट्स है, इनके इंटरनल असेसमेंट में आपके मार्क्स होंगे पोर्टफोलियो कॉलम में. ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो. बाकी आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट भी है. जो कल बताया था वो आपका प्रॉपर जो प्रैक्टिकल और रिटन पेपर का बताया था. ओके ओके, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज राइटर, जिसका आपका प्रैक्टिकल है. इन राइटर यू आर सपोज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, दैट मींस यू राइट द टेक्स्ट. एंड इन द व्हेन यू क्रिएट डॉक्यूमेंट, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग. वन इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. सेकेंड इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. एंड थर्ड इज पेज फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स द फॉर्मेटिंग विच इज अप्लाइड ओनली टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स द फीचर्स विच आर अप्लाइड टू द होल पैराग्राफ, वेदर द होल पैराग्राफ इज सिलेक्टेड और नॉट. इफ यू प्लेस योर कर्सर इन अ पैराग्राफ, द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैन बी कौन कौन सी हो सकती है? What are the various paragraph formattings? Alignment. Alignments. Indentations. Alignments. Indentation. Bullets and numbering. Borders and shading. They can be applied to the paragraph. And how we start a paragraph? How we identify a paragraph? Which key will you press? By pressing enter. Ma'am, enter. By pressing the enter key. Okay, whenever you press. यहाँ पर अभी मैंने 3 लाइंस लिखी हैं, ठीक है, दैट मींस दीज आर द 3 पैराग्राफ्स, बिकॉज़ आई हैड प्रेस्ड एंटर की एट द एंड ऑफ ईच लाइन. ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, इट इज अ 1 पैराग्राफ. इफ आई अप्लाई फॉर माय अलाइनमेंट फीचर हियर, इट विल अप्लाई टू द होल पैराग्राफ. इट डजंट मीन कि कैरेक्टर को अप्लाई होगा, फॉर्मेटिंग को नहीं होगा. इट विल अप्लाई टू द होल पैराग्राफ. पैराग्राफ मींस व्हेन वी प्रेस द एंटर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. Character formatting that is applied to the selected text. It can be one word, it can be one character, one alphabet. It can be one line. Jitna bhi select kar rahe hain usko apply. Most of the features are available on formatting toolbar. In this formatting toolbar, you will see font, font size, bold, italic, underline, alignment options are there, and spacing, font color. All these are the character formatting. You can click on the font color, you can choose the font color, you can make it bold, you can make it italic, you can change its size, and you can change the font, whatever font you want. Clear? More features, format menu, character option. Format menu, character option. Character dialog box will appear. इन दिस कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स फॉन्ट कलर है जो आपको बाहर फॉर्मेटिंग टूलबार पर भी अवेलेबल है.
देन देयर इज अ इफेक्ट ऑप्शन, कैपिटल, लोअर केस, टाइटल्स और स्मॉल कैपिटल. ये चेंज केस ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द चेंज केस ऑप्शन. देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ओवरलाइनिंग, स्ट्राइक थ्रू एंड अंडरलाइनिंग. ओवरलाइनिंग मींस द टेक्स्ट अबव द लाइन अबव द टेक्स्ट. Strike through means line over the text, and underlining means line below the text. Okay, overlining, color you can specify. Strike through, then underlining. Underlining ka color bhi specify kar sakte, like this. Review aapko nazar aa raha hai, you can click on OK. This is applied. Maine abhi tino diye. You can underline the characters, you can underline the text, or you can strike through the text, or you can put a line over the text, above the text. Okay, that depends on you. Then there is a paragraph formatting. For doing the paragraph formatting, we can click on these alignment buttons which are given outside on the formatting toolbar. You can have the bullets and numbering option, which will be given on this formatting toolbar. Bullets, number, ठीक है, and you can go to the format menu, bullets and numbering option. Format menu, bullets and numbering option. You can choose the various types of bullets. You can choose the various types of numbering styles, and you can have the graphics as a bullets. And you can click on. कौन सी पार्ट्स आउटलाइनिंग अबले पहले भी आज सिंपल करो, रिवीजन कर रहे हो तो जितने आपके फीचर्स कॉमनली यूज हो रहे हैं उसको रिवाइज करो सो दैट यू कैन यूज देम इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम. ठीक है, आउटलाइनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट मेन्यू, पैराग्राफ सॉरी बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन. यहाँ पर आपके पास आउटलाइन की दी हुई है, वेरियस लेवल्स, टैब और शिफ्ट प्लस टैब पहले अप्लाई करना है. ठीक है, देन एंटर प्रेस किया, टैब प्रेस किया, टू आया था, मैंने टैब प्रेस किया, सेकंड लेवल किया, सेकंड लेवल की ऑप्शंस दे दी. ठीक है, देन शिफ्ट प्लस टैब, लाइक दिस. फॉन्ट छोटा कर लेते हैं अब. ठीक है, ये मल्टीपल अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट एंटर प्रेस किया, फिर से सब कॉलम देना है, टैब की प्रेस कर, टैब की, शिफ्ट प्लस टैब, प्रीवियस लेवल. ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बुलेट्स फॉर्मेट में जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग में आउटलाइन, उसमें चूज कर लो कौन सी आउटलाइनिंग चाहिए, मल्टी लेवल्स. ओके, अगर आप यहाँ सेकंड लेवल पर आके दोबारा अगर टैब की प्रेस करते हो, शिफ्ट प्लस टैब से तो वापस जा रहा है प्रीवियस लेवल पे जा रहा है, अगर नेक्स्ट करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल भी आ रहा है. अगेन शिफ्ट प्लस टैब करेंगे, सी आ जाएगा, टैब प्रेस करके नेक्स्ट लेवल, शिफ्ट प्लस टैब से प्रीवियस लेवल. ठीक है, फॉर दैट अप्लाई आउटलाइन नंबरिंग, देन इट विल हैपन. क्लियर? हाँ जी, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, देन वी आर हैविंग, नो मैम. ओके, देन वी आर हैविंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यू कैन हैव द, जैसे फॉर्मेट मेन्यू में कैरेक्टर ऑप्शन यूज करी थी वैसे ही पैराग्राफ ऑप्शन भी है. पैराग्राफ ऑप्शन में यू हैव इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, यू हैव अलाइनमेंट्स, यू हैव टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइनिंग एंड नंबरिंग, टैब्स, ड्रॉप कैप्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स. आपका ज्यादा यूज क्या होगा, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स. बैकग्राउंड मीन्स यू गिव द बैकग्राउंड कलर ऑफ टू द टेक्स्ट. ये देखो पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया उसको अप्लाई होगा. ठीक है, अगर मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी है, go to format menu, paragraph background tab, then click on the text color. Okay, ab
देखो ये पूरे पैराग्राफ को हो रहा है, दैट मींस पूरी लाइन को हो रहा है, सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे नहीं आ रहा है, शेडिंग नहीं है, बैकग्राउंड दे रहे हो पूरे पैराग्राफ को, हाँ उतना नहीं है, पूरा पैराग्राफ को हो रहा है. ओके यहाँ पर भी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्ड खत्म हो गया है, बट इट इज अप्लाइंग टू द फुल लाइन. ओके देन फॉर्मेट पैराग्राफ, यू हैव बॉर्डर्स. इफ यू वॉन्ट टू गिव बॉर्डर्स टू द पैराग्राफ, एनी पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, मुझे इसको बॉर्डर्स देने हैं, सपोज मुझे इसको बॉर्डर्स देने हैं, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू, पैराग्राफ ऑप्शन, बॉर्डर्स, चूज द लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल, देन चूज द कलर, एंड देन डिफॉल्ट ये आपका आ रहा है, ऑल फोर साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, ओनली लेफ्ट. ठीक है, सपोज मुझे टॉप एंड बॉटम चाहिए, मैंने क्लिक कर लिया, ओके. नीचे आपके पास शेडोज भी आ रही है, इफ यू वांट टू गिव शेडोज, शेडो का कलर भी है, एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक, नीचे ब्लू कलर की शेडो आ रही है, क्लियर? हाँ जी क्लियर है, बॉर्डर्स क्लियर है. हाँ पूरे पेज पे, वो पेज फॉर्मेटिंग, वो पेज फॉर्मेटिंग में आएगा. या सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सारा सेलेक्ट कर लो, फिर बैकग्राउंड दे दो. हाँ बिकॉज इट इज सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के पीछे आ रहा है ना कलर, तो इफ आई सेलेक्ट द होल टेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल, नाउ गिव फॉर्मेट पैराग्राफ बैकग्राउंड्स, choose any color, click on OK, applies to all. ठीक है, बट अगर हम बोल वहां पे नहीं है, बिकॉज इट्स अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नॉट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज चेंज केस ऑप्शन. Change case option means to change the case of the text. How? यहाँ पे देखो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू, चेंज केस ऑप्शन. देर आर फाइव टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शन, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉपल केस. सेंटेंस केस मीन्स first letter of the sentence will be capital, rest of the letters will be small. ठीक है, upper case means all the letters will be capital, lower case all letters will be small. Capitalize every word, first letter of every word will be capital. ठीक है, अब usually headings हैं, headings में usually capitalize each word हम use कर सकते हैं या upper case use कर सकते हैं. I can click on uppercase, it will make it like this. ठीक है, if I use the lowercase, it will make it lowercase. But if I use the toggle case, तो क्या होगा? Toggle case क्या करता है? Toggle case is a reverse. Upper letters lower में होंगे, lower letters upper में होंगे. अगर मैं अभी toggle case use करूंगी, तो क्या हो जाएगा? सारे lower हो जाएंगे. So that means at present टॉगल केस यूज करूं या लोअर केस यूज करूं, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, लोअर केस करूंगी तब भी सारे लोअर में होंगे, अगर टॉगल केस यूज करेंगे तब भी सारे लोअर में होंगे, बिकॉज टॉगल केस रिवर्स द केस व्हिच इज ऑलरेडी यूज्ड. ठीक है, हाँ अगर मैंने यहाँ पे यूज किया कैपिटलाइज एवरी वर्ड, अब अगर टॉगल केस यूज करेंगे तो एवरी फर्स्ट लेटर इज स्मॉल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी कैपिटल. इसने ऑपोजिट करना है. क्लियर है? यस, एनी डाउट ऑनलाइन क्लास? एनी डाउट? ओके, एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क इन राइटर? जिसको लग रहा है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है मुझे वो करना है, पहले एक बार तीनों फॉर्मेटिंग्स, देन पिक्चर्स, देन टेबल्स, ये सारी चीजें करनी है आज. ओके, नाउ कम टू द पेज फॉर्मेटिंग. फॉर्मेट मेन्यू, पेज ऑप्शन.
Now page dialog box is there. In this page dialog box, you can apply the headers footer. You can give the page size, paper size. आपका पेज का साइज कितना होगा? आपके पेज का मार्जिन कितने होंगे? या आपके पेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? Now अगर हम बैकग्राउंड कलर चूज करते हैं, तो that background color will be applied to whole page. अब पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई नहीं हो रहा, देखो लक्ष्य ध्यान से. पहले जो हो रहा था वो पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली हो रहा था, बीच में ब्लैंक स्पेसेस भी आ रहे थे. ठीक है, अब हमने पूरे पेज को किया, पूरे पेज का कलर हो गया. यस मैम, इसके बाद आप वो इम्प्रेस का हैंडआउट्स एंड आउटलाइंस बता दोगे? इम्प्रेस का? यस मैम. ओके, उसके टेम्पलेट्स में भी डाउट था. हाँ जी मैम, उसके टेम्पलेट्स में भी डाउट था. राइटर तो क्लियर ही है. ओके, राइटर क्लियर है. इम्प्रेस का करवा देते हैं, इम्प्रेस भी करवा देते हैं बेटा. ओके, हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करनी है? ऑटो इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स. मैम इंसर्ट हेडर फुटर ऑप्शन, सॉर्ट मेन्यू हेडर ऑप्शन, हेडर फुटर सॉर्ट मेन्यू हेडर ऑप्शन. ठीक है, नाउ हेडर ऑप्शन विल बी हेडर फॉर्मेट मेन्यू में भी है. यहाँ आ गया, हेडर आ गया. नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट दैट विल अप्लाई टू ऑल द पेजेस, दैट विल अप्लाई टू ऑल दैट द टॉप ऑफ एवरी पेज. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड फुटर? फुटनोट एंड फुटर मैम, फुटनोट सेपरेट्स द डेटा द टेक्स्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द पेपर, एंड फुटनोट इज like inserting some amount of text in the at the foot of the paper, foot of the paper at the footer also appears at the bottom of every page. Footer appears at the bottom of every page, chahe mera page abhi wo document mein hai ya nahi hai. Footnote appears at the bottom of only one page jahan par humne insert kiya. आपने कई बार देखा होगा बुक्स में, कई बार किसी वर्ड्स के साथ मार्क लगा होता है, कोई एस्ट्रिक का या कोई डॉट का या कोई मार्क, उसका मीनिंग नीचे पेज के नीचे दिया होता है बॉटम पे. समटाइम्स बुक्स में होता है कोई रेफरेंस दी होती है, कोई मीनिंग दिया होता है, या फुल फॉर्म दी होती है, या रेफरेंस दी होती है उस वर्ड के साथ लगा के, मार्क लगा के किसके बारे में डिटेल नीचे दी हुई है, दैट इज फुटनोट. फुटनोट्स जब इंसर्ट करते हैं हम, किसी वर्ड से रिलेटेड फुटनोट्स इंसर्ट करते हैं, वी इंसर्ट द फुटनोट्स, पुट अ मार्क, वो ऑटोमेटिकली वर्ड के साथ एक सिंबल इंसर्ट होता है और उसके बारे में जो डिटेल होती है एट द बॉटम ऑफ दैट पेज होंगे. ठीक है, फुटनोट्स अपीयर ओनली एट द सिलेक्टेड पेज और द पेज ऑन विच वी हैड इंसर्टेड. फुटर अपीयर्स ऑन एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज. मैम जैसे साइड बॉक्सेस होते हैं, साइड बॉक्सेस तो हम इंसर्ट करते हैं धीरेन, वो तो हमारे पेज की डिजाइनिंग का पार्ट है. पेज की डिजाइनिंग का पार्ट है ना कि हमने टेक्स्ट को कहाँ इंसर्ट करना है. ये मार्जिन्स है, मार्जिन्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं. यहाँ से पेज ये देखो, अगर मैं मार्जिन कम कर दूंगी आपका पेज कलर इंक्रीज हो जाएगा, वर्किंग एरिया इंक्रीज हो गया. ठीक है, लेफ्ट राइट किए मैंने, ये देखो मैं क्या डिजाइनिंग हो, बुक्स बॉर्डर्स वगैरह आ जाए तो या तो आप इमेज ले सकते हो, विच यू कैन सेंड इट एट द बैक बैक ऑफ द टेक्स्ट. बॉर्डर की इमेजेस आती हैं, क्लिप आर्ट्स आते हैं, आप बॉर्डर इंसर्ट टेक्स्ट से डाउनलोड करके उसको इंसर्ट करो, उसकी कुछ ट्रांसपेरेंसी कम करके या ज्यादा, जैसा भी आपके कलर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सेंड टू बैक कर दो टेक्स्ट के, देन यू कैन एडजस्ट इट. ठीक है, हाँ नाउ ओके, एवरीवन नो हाउ टू इंसर्ट द ग्राफिक्स? एवरीवन एग्री दैट आई शुड स्टार्ट विद इम्प्रेस? मैम एक बार पिक्चर्स करा दो. पिक्चर्स ही करवाने लगे बेटा, इसमें भी पिक्चर्स ही करवाने लगे. मैम गैलरी कह रहे हो? गैलरी में भी हो सकती है, आपकी पिक्चर्स आप किसी दूसरी फाइल से भी इंसर्ट कर सकते हो. हियर ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ गैलरी बटन, दिस इज योर लाइक अ क्लिप आर्ट, जो ऑलरेडी रेडीमेड पिक्चर्स हैं, यू कैन इंसर्ट एनी पिक्चर. क्लिक हियर
drag it, drop it. Picture will be inserted. You can resize it. And there is a formatting toolbar. Now picture toolbar आ रही है आपके पास. यहाँ पे wrap text आ रहा है top and bottom. ठीक है, जैसे आपने input output devices की लक्षणी अच्छी बनाई हुई थी फाइल आपकी. यहाँ पे अगर हम इसको अराउंड कर दें, या now we can place it like this. Wrap text. Text किस तरह से wrap होगा? Whether it is will be around or whether it should be top and bottom. तो अगर around देंगे तो हम text को इस तरह से adjust कर सकते हैं. Pictures के साथ. Then you can have the alignment. Then you can have the top, bottom, right. Then borders है. Picture को borders देने हैं. All four borders. Then picture की line है. Border color है. Border size है. Then there is a line color. Then there is a fill color. Picture का fill color. ठीक है, borders, border color, fill color. Then here is an option, bring to front, send to back. ठीक है, bring to front or send to back. Then send it back. अगर इसको around कर देंगे. Or you can bring it in front. Text के पीछे. Okay. Or you can have it at top and bottom. That's up to your choice. मैम कहाँ पे? कहाँ पे? क्या बेटा? मैम bring to back. ये ऊपर दिए हुए हैं बेटा, send to bring to front or send to back. That depends. That works with pictures only. अगर मेरे पास दो pictures हैं, उसमें कर सकते हैं इसको. Send to back or bring to front. मैम गैलरी में हम कोई अपने से ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते. ये देखो send to back चली गई. Bring to front, send to back, or bring to front. ठीक है, clear? मैम. Yes. मैम गैलरी में हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं इंसर्ट कर सकते. क्या नहीं इंसर्ट कर सकते? कोई गैलरी के अलावा अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है. There is a drawing toolbar. I told you, drawing toolbar में आपके पास drawing tools होते हैं. यहाँ पे आपके पास artboard gallery भी है और from file option भी है. From file, you can click on from file and choose any picture that you want to insert. That picture will be inserted. Again, आपके पास वैसे ही borders हैं, border colors हैं. Okay. Now you can adjust it anywhere by dragging or by resizing. And there is also option like this. Text ke saath adjust karna. Clear? Clear hai? Tables clear hai sabko? Tables clear hai beta? Anyone, any doubt? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Impress, bata do. Okay, impress. Ma'am, who outlines and handouts? Outline mein kya puchna hai, Pranay? Ma'am, un dono ka matlab, outlines and handouts. Outline to multi-level numbering. Multi-level numbering. मैम इसमें टेम्पलेट्स एक बार बता दो कि इनमें क्या कुछ है. यस, बोलो इंप्रेस में क्या. हाँ मैम, टेम्पलेट्स जैसे हमने पहले तो इंसर्ट कर लिए मैम, वो तो समय लग गया. अगर हमने फाइल चलते चलते टेम्पलेट चेंज करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? फॉर्मेट, स्लाइड डिजाइन. यस मैम. यस, प्रेजेंटेशन जो आपने आंध्र प्रदेश वाली बनानी है वो इंप्रेस में बनानी है.
ओके फॉर्मेट मेन्यू स्लाइड लेआउट भी है सॉरी स्लाइड लेआउट बार आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर आपके पास स्लाइड डिजाइन भी टेम्पलेट्स भी होंगे स्लाइड डिजाइन में ही आने मैम यस मैम हमको प्रैक्टिकल में नेट मिलेगा इमेजेस डाउनलोड करने के लिए नहीं जी नेट नहीं मिलेगा मैम मैम फिर हम इमेजेस कैसे डाउनलोड करेंगे इमेजेस अगर ऑलरेडी करोगे तो ज्यादा आपको नहीं मिलेगा कुछ आपके जो जो आप बनाओगे बेटा उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएंगे आपके पास जितनी इमेजेस अवेलेबल है मैम मैम जो कंटेंट हमको आएगा उसमें वो हम मतलब हमारे बुक में से कोई टॉपिक आएगा जैसे हमको मतलब पढ़ के आना पड़ेगा या कोई हमको वैसे प्री मतलब जैसे पहले हमको कंटेंट मिलता है जनरल टॉपिक्स होंगे बेटा जनरल टॉपिक्स होंगे इंप्रेस के लिए कंटेंट हमको प्रोवाइडेड होगा या हमको खुद ही पढ़ना पड़ेगा नहीं कंटेंट आपको खुद लेना पड़ेगा बट जनरल टॉपिक्स होंगे आप बना पाओगे ठीक है मैम इमेजेस फिर नहीं नहीं बेटा नहीं आपको जो भी टॉपिक मिलेगा वो आपके लिमिटेशंस को ध्यान में रख के ही मिलेगा आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपके पास इमेजेस नहीं है फिर भी आप प्रेजेंटेशन बनाओ उस टॉपिक पे आपका जितना लिमिटेशन है उसको ध्यान में रख के ही आपको दिया जाएगा टॉपिक ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें भी पता है कि वहां पे कौन सी इमेजेस अवेलेबल है आपको सिर्फ हमने रिलेटेड इमेजेस नहीं भी देखनी होंगी वी जस्ट नो कि हाउ टू इंसर्ट द इमेज आपके स्टेप्स चेक करने हैं कि आप क्या कर रहे हो वहां पे या कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एंड मैम अगर हम एनिमेशन कर रहे हैं मैम कर सकते हैं प्रैक्टिकल में कर सकते हैं अगर टाइम बचेगा तो ओके ओके मैम हाँ जी टेम्पलेट्स इसमें ज्यादा इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको डेमो दे रही हूँ वहाँ पे टेम्पलेट्स इंस्टॉल्ड ही नहीं है मैम मेरे सिस्टम में भी दो ही हैं हाँ वहाँ पे है दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्प्लेइंग इट बाय द वैसे आपके पास स्लाइड डिजाइन में अवेलेबल होते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मैम स्लाइड डिजाइन में मेरे को भी नहीं शो कर रहा था मैम वैसे शो करता है जब स्टार्टिंग में बहुत सारे शो करता है ऑप्शन वही है बट वहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है मैम वो जो लैब वाले पीसी हैं उनमें होंगे फिर क्या हमको बाय डिफॉल्ट का पहले से करना पड़ेगा इट डजंट मैटर कि है या नहीं है ठीक है इट डजंट मैटर अब ब्लैंक स्लाइड्स लेके बेटा उसमें बैकग्राउंड कलर्स भी तो कर सकते हो फॉर्मेट मेन्यू में से जाके बैकग्राउंड कलर्स चूज कर लो आपको डेकोरेट करना है ना बैकग्राउंड कलर चूज करो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस है टेक्स्ट बॉक्सेस का यहां पे फिल कलर दिया हुआ है चूज द फिल कलर यस मैम कलर्स हैं ग्रेडिएंट्स हैं हैचिंग ऑप्शंस हैं चूज द कलर कलर कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा बोल्ड कलर्स नहीं होने चाहिए ये नहीं कि कलर इतना ज्यादा हो गया ग्रेडियंट इतने ज्यादा अप्लाई कर दिए कि टेक्स्ट विजिबल नहीं है आपका बैलेंस होना चाहिए आपका मैटर और आपकी फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर्स और आपका टेक्स्ट मैच करना चाहिए आपस में कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे को कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा मैम यस ये देखो फॉर्मेट मेन्यू बैकग्राउंड कलर कैसे करना है स्लाइड का फॉर्मेट मेन्यू पेज ऑप्शन पेज के अंदर बैकग्राउंड टैब है हियर यू विल चूज कलर ग्रेडियंट्स और हैचिंग और बिटमैप लेंगे तो पिक्चर आएगी कलर लेंगे सॉलिड कलर होगा ग्रेडियंट्स में आपके टू कलर्स होंगे ठीक है चूज द कलर ओके is a background color for slide now if you want to give the boxes aapke jo text boxes hain inko color karna hai this is the border this is border width mam har ek ko agar unique karna ho ek slide mein ek dusre mein color do kya karna ho mam agar ek slide jaise humne show kar rahi hai ki wo se different topic start ho raha to hum matlab वो सीरीज में जैसे दो तीन स्लाइड्स को हमने अलग शो करना कलर तो फिर वो भी कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं नाउ यू कैन हैव द फिल कलर इफ यू वांट देन चूज द कलर मैम यस मैम वाइवा वन वर्ड होगा ना हाँ जी वन वर्ड होगा मैम जो वाइवा एंड प्रैक्टिकल वो बैकग्राउंड सेटिंग्स फॉर ऑल पेजेस यस और नो अगर नो करोगे तो सिंगल पेज अगर यस करोगे तो ऑल पेजेस
एंड बहुत ज्यादा कलर्स की जरूरत पड़ती नहीं है. वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी जितनी भी आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देखोगे, दो या तीन से ज्यादा फॉन्ट नहीं यूज होने चाहिए. हेडिंग का एवरी स्लाइड पे जो हेडिंग्स या टाइटल्स होते हैं उनका कलर और उनका फॉन्ट सेम होना चाहिए. फॉन्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सेम साइज का होना चाहिए. दे शुड नॉट बी डिफरेंट. ये नहीं की हर स्लाइड पे मैं डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट फॉन्ट कलर और डिफरेंट स्टाइल चूज कर रहे हैं. There should be uniformity in the presentation. ठीक है, presentation में titles जो होते हैं वो same similar होंगे, same size के होंगे, same color के होंगे. Content अगर है that will be of similar size, same kind of bullets, same kind of font colors and same kind of fonts. Background color तब use करते हैं ज्यादा, अगर या तो वो आपके font के साथ बहुत ज्यादा वो जरूरी हो किसी चीज को highlight करने के लिए, यहाँ जैसे आपकी स्लाइड को हाईलाइट करने के लिए जरूरी है तो आप उसका अलग फॉन्ट बैकग्राउंड कलर दे सकते हो. जैसे टाइटल्स का अलग कलर दे दिया, बाकी का जो मैटर आ रहा है उसको सिमिलर कलर दे दिया. ओके मैम. ठीक है, हर स्लाइड पे डिफरेंट कलर की जरूरत नहीं पड़ती है. इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है, एक अलग से कलर दे दिया, कोई पिक्चर लगा दी टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक. ओके, देन बहुत ज्यादा आप उसको बोल्ड कलर्स या कॉन्ट्रास्ट कलर्स नहीं यूज करना. मैम कलर्स कलरफुल बनाने के मार्क्स भी कटेंगे. बिल्कुल जी, अगर आपकी प्रेजेंटेशन पूरा ना कलरफुल की बात नहीं होती है, इट शुड लुक गुड. कलर्स की जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपके वो ड्राइंग बुक या आपको तो क्राफ्ट बुक नहीं बनानी है, आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी है. आपने प्रेजेंटेशन समटाइम्स मेरी आपने देखी होंगी, क्या होता है मैम सिंगल एक दो कलर यहाँ पे नहीं है साहब, नहीं है. मैम हमें कितना टाइम मिलेगा बनाने के लिए? बेटा 30-40 मिनट्स. 30-40 मिनट्स में आपका पूरा प्रैक्टिकल फिनिश हो जाएगा. एंड मैम राइटर भी आना है, इंप्रेस भी, या फिर एक ही आना है? हां जी, हां जी.